जादुई सोने की मुर्गी की खेती। सोनू एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। दिन रात वो मेहनत करता था, फिर भी उसे मनचाहा धन नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत धन उसे मिलता था, उसी से उसके माँ बाप और वो आधा पेट खाना खा पाते थे। और वो रोज यही सोचता, मेरी इतनी कम आमदनी है, मैं अपने परिवार का पोषण कैसे कर पाऊंगा। फिर सोनू की माँ उसे चिंतित देखकर उससे पूछती है, बेटा सोनू, आज तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी तेरा और बाबूजी का पेट नहीं भर पाता मैं। बेटा तू निराश मत हो, ईश्वर सब देखता है और एक दिन वो सब कुछ सही कर देगा बेटा। माँ, क्या ईश्वर ये भी देखता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा ही धन जुटा पाता हूँ? तो चिंता मत कर बेटा, एक दिन सब सही हो जाएगा। फिर सोनू अपनी माँ की बातें सोचता हुआ घर से खेत की तरफ चला जाता है। वो खेत में काम कर रहा होता है, तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। अरे भाई, मैं इतने महीनों से तुम्हें खेतों में मेहनत करते हुए देख रहा हूँ, पर कुछ दिनों से तुम कुछ परेशान हो। हाँ भाई, मैं खेतों में इतनी मेहनत करता हूँ, पर फिर भी अपने माता पिता का पेट नहीं भर पा रहा। मुझे अब कोई और काम ही ढूंढना होगा। अरे भाई, मैं तुम्हें आज एक काम देता हूँ और उसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। मुझे क्या काम करना होगा? तुम्हें मेरी मुर्गी को बाजार में ले जाना होगा और वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसे मुर्गी देकर आ जाना। लेकिन वो आदमी मुर्गी का क्या करेगा? अरे तुम इतना मत सोचो, बस उसे मेरी मुर्गी देकर आ जाना और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मुझे अपनी मुर्गी दे दो। फिर आदमी सोनू को अपने घर ले जाता है और उसे सोने की मुर्गी दे देता है। सोनू सोने की मुर्गी लेकर शहर की तरफ चलता है। फिर वो देखता है सोने की मुर्गी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरे तुम रो क्यों रही हो? तभी सोने की मुर्गी बोलती है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे मालिक ने बेच दिया है और जिस आदमी के पास तुम मुझे लेकर जा रहे हो वो मुझे मारकर खा जाएगा। लेकिन तुम बोल कैसे सकती हो और ये कैसे संभव है? एक तो तुम्हारा रंग भी सोने जैसा है और तुम बोलती भी हो, और किसी को मारना गलत बात है। मैं किसी की हत्या नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी, पर मुझे अभी जाने दो। अच्छा चलो ठीक है, तुम जा सकती हो, पर ये अजीब बात है कि एक सोने की मुर्गी भी बोल सकती है। मैं एक जादुई सोने की मुर्गी हूँ और बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जाना है। अच्छा ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बड़े दयालु हो। मैं जंगल में चली जाती हूँ, लेकिन तुम उससे क्या कहोगे? मैं उसे कुछ भी कह दूंगा, तुम जाओ और अपनी जान बचा लो। फिर सोनू शाम को उस आदमी के पास जाता है। दे आया मेरी मुर्गी मेरे दोस्त को? नहीं, मुर्गी तो रास्ते में ही छूट कर भाग गई। तू बड़ा नलायक है, एक काम भी सही से नहीं कर पाता। तुझे मेरे सोने की मुर्गी के पैसे चुकाने होंगे, वरना मैं तेरा घर अपने नाम करा लूंगा। तुझे कुछ दिन देता हूँ, बस मेरे पैसे दे दे। फिर सोनू उदास होकर घर की तरफ चलता है। सोनू की माँ उसे खाने के लिए रोटी देती है, लेकिन सोनू की उदासी देखकर वो उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ सोनू, तू इतना उदास क्यों है? माँ, आज मैंने एक बोलने वाली सोने की मुर्गी की जान बचाई, तो उसके मालिक ने मुझसे कहा कि या तो मेरे पैसे दे, वरना मैं तेरा घर अपने नाम करा लूंगा। बोलने वाली सोने की मुर्गी? बेटा ऐसी मुर्गी नहीं होती। माँ मैं सच बोल रहा हूँ, वो सोने की जादुई मुर्गी थी। ठीक है बेटा, किसी की जान बचाना तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, उसकी जान के बदले हमारा घर चला जाए तो कोई बात नहीं। किसी की जान हमारे घर से ज्यादा कीमती तो नहीं है। कुछ दिन बाद वो आदमी सोनू के घर आता है। तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए, अब तू घर से निकल जा, ये मेरा घर है। सोनू अपने माँ बाप को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। सोनू इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसे रोता देखकर एक सोने की मुर्गी उसके पास आती है। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मैंने एक जादुई बोलने वाली सोने की मुर्गी की जान बचाई थी, उसके बदले मेरा घर भी मुझसे छिन गया और मेरे माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं।
जिस जादुई सोने की मुर्गी की तुमने जान बचाई थी मैं वही हूँ। मैं एक जादुई मुर्गी थी जिसको उस आदमी ने चुरा लिया था। मैं सोने के अंडे देती थी लेकिन उसने मेरे अंडों का गलत उपयोग किया जिस वजह से मैंने अंडे देना बंद कर दिया और उसने मुझे बेच दिया था। जादुई मुर्गी? मुर्गी भी जादुई होती है क्या? तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसे तुम बोलती हो ये भी अजीब है। मैं एक तपस्वी बाबा की मुर्गी थी। कुछ समय बाद वो बीमार हो गए और भूख से तड़पने लगे। तब बाबा ने मुझे जादुई सोने की मुर्गी बना दिया और मेरे द्वारा प्राप्त धन से अपना जीवन यापन किया। फिर उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा तो ये बात है। मेरी वजह से तुम इतनी मुसीबत में आए हो। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मुझे तुम्हारी थोड़ी सहायता करनी है। मैं तुम्हें कुछ दाने देती हूँ। तुम इन्हें कहीं पर भी बो देना और खेती शुरू करना। उससे जो उत्पन्न होगा उससे अपने घर का पालन पोषण करना। पर जादुई सोने की मुर्गी, खेती में समय लगेगा और मुझे अपने भूखे माता पिता को कुछ खिलाना होगा। वो तड़प रहे होंगे। तभी जादुई सोने की मुर्गी दो दाने सोनू को दे देती है। ये लो दो दाने, इन्हें अपने माँ बाप को खिला देना, उनकी भूख भी शांत हो जाएगी। फिर सोनू खुश होकर वहाँ से चला जाता है और पहले अपने माता पिता को वो दाने खिलाता है, फिर जंगल में एक जगह पर उन दानों को बो देता है। अगली सुबह वहाँ से छोटे छोटे पेड़ निकलने लगते हैं। पेड़ की पत्तियाँ अजीब होती हैं। ऐसी पत्ती आज तक किसी भी पौधे की नहीं थी। उसके माँ बाप उसे देखकर बोलते हैं, सोनू ये किस चीज का पेड़ है? इनके पत्ते तो बहुत ही अलग हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी पक्षी के पंख हो। हाँ हाँ पिताजी आप सही बोल रहे हो। अब मैंने भी आज तक ऐसे पौधे नहीं देखे। चलो जो भी हो देखते हैं किस चीज की खेती कर रहा हूँ मैं। अगले दिन पौधे पेड़ में बदल जाते हैं और उन पर सोने के अंडे लटकते हैं। सोनू ये देखकर बोलता है, अरे इन पेड़ों पर तो सोने के अंडे लटके हुए हैं। क्या ये सोने के अंडे का पेड़ है? मैं कल सुबह इन अंडों को तोड़कर बाजार में लेकर जाऊंगा। सोनू अगली सुबह का इंतजार करता है तो वो देखता है उसके पेड़ पर अंडों की जगह अब सोने की मुर्गियां थी जो बहुत ही तंदुरुस्त और सुंदर थी। ये देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है और सोने की मुर्गियों को पेड़ से तोड़ लेता है। फिर वो सोचता है, अगर मैं इन सोने की मुर्गियों को बाजार में भेजूंगा तो लोग इनको मार कर खा जाएंगे। मैं इनका क्या करूं? फिर वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी वो जादुई सोने की मुर्गी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, सोनू तुम निराश मत हो। ये सब सोने की मुर्गी बहुत रंग बिरंगी हो जाएंगी जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगी और लोग इन्हें सजावट के लिए अपने घर में रखेंगे। इनको मार नहीं पाएंगे। ये सुनकर सोनू खुश हो जाता है। वो सभी सोने की मुर्गियों को इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन देखता है मुर्गियां रंग बिरंगी हो गई थी। उनके पंख, गर्दन, चोंच सभी अलग रंग में रंगी हुई थी जो दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो उन सोने की मुर्गियों को बाजार लेकर जाता है और सब उससे सोने की मुर्गियां अच्छे दाम में खरीद लेते हैं। अरे वाह मेरी सोने की मुर्गी इतने अच्छे दामों में बिक रही है। फिर सोनू की मुर्गियां बहुत ही मशहूर हो जाती हैं और लोग उन्हें मारते नहीं थे बल्कि सजावट के तौर पर अपने घर में तोते की तरह पिंजरे में रखते थे। फिर सोनू अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी जादुई सोने की मुर्गी की खेती से अब हमारा घर अच्छे से चलने लगा है और सारी समस्या भी दूर हो गई है। हाँ बेटा मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि भगवान एक ना एक दिन सबकी सुनता है। उन्होंने तेरी भी सुन ली है। तभी जो काम आज तक नहीं हुआ अब वो हो रहा है। तू जादुई सोने की मुर्गी की खेती करता है। हाँ माँ आप सही बोलती थी, भगवान सबकी सुनते हैं। सोनू की जादुई सोने की मुर्गी को लोग मारते नहीं थे और सोने की मुर्गी की खेती करने से सोनू बहुत ही मशहूर हो गया था और सब आज भी सोनू से यही पूछते थे, अरे सोनू भाई तुम जादुई सोने की मुर्गी की खेती के बीज कहाँ से लेकर आए थे? एक दयावान जादुई सोने की मुर्गी ने मुझे सोने की मुर्गी की खेती करने के लिए बीज दिए थे। एक बार मैंने उसकी जान बचाई थी, इस कारण मुझे उपहार मिला था। फिर सोनू खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है
और जादुई सोने की मुर्गी की खेती करने लगता है।